दिस वन इज 100 स्क्वायर यार्ड्स डुप्लेक्स, ये 900 स्क्वायर फुट इसके अंदर स्पेस है और ये मेन एंट्री है। बाहर से मैं दिखा दूँ तो ये किचन की विंडो है और ये इस साइड ड्राइंग रूम की विंडो है। मेन एंट्री यहाँ पर 4 स्क्वायर फीट जो है 4 स्क्वायर फीट की मेन गेट से लेके और ये जो कॉर्नर है यहाँ तक ये आपका 5 फीट है। तो इसको और ये जो डिस्टेंस है ये 2 फीट है। इसको मैं बताऊँगा किस पर्पज़ के लिए रखा हुआ है। तो ये हुआ मेन एंट्री और जब जहाँ अभी मैं खड़ा हूँ ये ड्राइंग रूम। तो अभी अंडर प्रिपरेशन है तो इस साइड आप ये देख सकते हैं स्टेयर्स इस साइड लिया हुआ है और ये वेस्ट डायरेक्शन है। ये कॉर्नर जो है आपका साउथ वेस्ट है और ये यहाँ पर ये वेस्ट है और यहाँ जो स्टेप्स लिए हैं वो एक्चुअली 16 है। स्टेयर्स में जनरली 16 स्टेप्स लेते हैं और जो फ्लोरिंग है उसको मिलाकर ये 17 हो जाते हैं, तो ओड नंबर में रखते हैं। ये पहले मैं आप के साथ में डिस्कस कर चुका हूँ और इस साइड में ये आपका जो टर्न लिया है ये स्टेयर यहाँ से इस टाइप से और ये फिर ऊपर की साइड। इसके नीचे आप कुछ भी स्टोर टाइप बना सकते हैं और ये बाथरूम जो है 6x5 का है और ये ड्राइंग रूम के लिए रखा है। वेंटिलेशन के लिए आप टॉप पे देख सकते हैं क्योंकि इसके दूसरी साइड भी बाथरूम है और टॉप में अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पर ये सीमेंट की जाली यूज की है और ये ड्राइंग रूम से ऊपर के जो स्टेयर्स हैं स्टेयर्स के ऊपर ये है तो वहाँ पर ये रखा हुआ है। तो सीधे लाइट ये इस साइड में चली जाएगी और एयर का फ्लो रहेगा। इसी जगह खड़े होकर मैं आपको एक चीज़ और भी दिखा दूँ कि मैं ड्राइंग रूम में खड़ा हूँ अभी और ये फर्स्ट फ्लोर से सेकंड फ्लोर के लिए सीढ़ियाँ गई हैं, ये आप देख सकते हैं। तो अभी ये सेकंड फ्लोर पर यहाँ खड़े होकर आप देख सकते हैं इस पॉइंट को। ये आप ये छत है आपके जो ग्राउंड फ्लोर है जो ड्राइंग रूम है उसकी ये छत है। ये दीवार है, दीवार भी आप देख सकते हैं कि इस साइड में ये काफ़ी स्पेसियस है ये। और यहाँ जब आप खड़े हैं तो जिस सीमेंट की जाली की मैं बात कर रहा हूँ तो वो ये है और ये अभी आप फर्स्ट फ्लोर के लिए जा रहे हैं इधर वो एंट्री है। ये कुछ स्पेस यहाँ पे अभी रखा है यहाँ पे पीवीसी की फिटिंग के लिए जाली है पीवीसी की, तो एक दीवार आपके पास में ये भी बचती है। तो अब दूसरी साइड में आपका ये पोर्शन जो है किचन का है, ये किचन का विंडो ओपन हुआ है इस साइड में ये आर्क के साथ में और ये एंट्री है ड्राइंग रूम से इस साइड को। ये भी प्रॉपरली आर्क के साथ में लिया हुआ है। तो यहाँ से थोड़ा और मैं इस विजन को क्लियर कर दूं कि ये किचन और ये एंट्री है इनटू द रूम। ये किचन इस साइड में है और ये पोर्शन आपका साउथ ईस्ट का पड़ता है। तो यहाँ पे भी आर्क ले लिया है। इसके एक्चुअली 2 पार्ट्स के हैं, जो 5 फीट का एंट्री पे मैं आपको बोल रहा था कि एक्सटेंड किया है एक्चुअली वो ये प्लेस है इस साइड से। तो यहाँ अगर आप देखते हैं तो ये डिस्टेंस जो है 5 फीट का है और ये भी 5 फीट का है। तो यहाँ एक्चुअली ये काफ़ी स्पेसियस है
अभी तो यहाँ पर जब आप देखते हैं कि स्लैब वगैरह लग जाएंगे, स्टोव वगैरह लग जाएगा, तो उसके लिए काफ़ी जो है स्पेस होगा। ये पोर्शन यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी पॉइंट है, और ये भी है ओवन या मिक्सी ग्राइंडर जो भी आप लोग उसके पर्पज़ से है यहाँ पे रखा हुआ है। उसके बाद जो दूसरा पार्ट है किचन के अंदर ही जो यूज किया है वो यहाँ ये 6 फीट है, ये 6 फीट है और ये भी 6 फीट है। तो टोटल लेंथ जो किचन की है वो 11 फीट के आसपास 11 फीट है। यहाँ ये जो पोर्शन है आपका, इस साइड में दिखा दूँ आपको, तो ये अंदर है, किचन के अंदर है, और यहाँ आपका जो मार्बल स्लैब है वो एक्चुअली एज ए डाइनिंग टेबल और कुछ भी आपके जो प्लेस है वो यूज हो सकता है। उसके बाद इस साइड में ये एक ही रूम है, और इस साइड अभी आपका ये मंदिर टेंपल रखा है जो कि नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन है। ये अप्रोक्सीमेटली मोर देन 4 फीट्स की है, और मंदिर जो यहाँ पे रखा हुआ है वो 4x7 फीट्स का रखा है। तो इस साइड में ये आप अभी देख सकते हैं कि ये पोर्शन है, और इस पोर्शन में ये मंदिर रखा है। यहाँ थोड़ा अभी जब कच्चा फर्श डाला है तो एक स्टेप दे दिया है, फाइनल जब फॉर्मेशन आएगी तो यहाँ पर 2 स्टेप हो जाएंगे, एक स्टेप और फिर 2 स्टेप और फिर यहाँ पर मंदिर के लिए स्थान बच जाएगा। और अभी ये जो किचन है, और किचन के बाद में ये जो पोर्शन है, अभी यहाँ जहाँ मैं मंदिर के अंदर खड़ा हूँ, तो ये जो पोर्शन है आपका राइट किचन और मंदिर के बीच का ये पोर्शन जो है ये काफ़ी स्पेसेस है। आप यहाँ पर डाइनिंग टेबल भी यूज कर सकते हैं, और फ्रिज वगैरह के लिए भी स्पेस है, और दूसरे पॉइंट्स आप यूज कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट आपका इस साइड भी आ सकता है, ये काफ़ी अभी स्पेसेस है। तो अब ये जो आपका मेन बेडरूम है इसके बाहर ये रखा हुआ है, और इस साइड में आपने ये टेंपल निकाल दिया। दूसरी साइड में मैं जो आपको बोल रहा था कि एक सीरीज आपने जो है ये बाथरूम की यूज की है, उसकी जो चौड़ाई है वो 6 फीट के आसपास है, 6 फीट ही है। और ये इस तरीके से एक बाथरूम ये और एक इसकी बैक साइड में जो मैं आपको बता रहा था। तो इस रूम का जो इम्पोर्टेंट फैक्टर है वो मैं आपको बता रहा हूँ कि अभी ये रूम 11x11 डायमेंशन का है, और जो पहला बाथरूम था उससे कनेक्टेड ये दूसरा बाथरूम है, जिसको मैं आपको बोल रहा हूँ ये वेंटिलेशन के लिए स्पेस दिया है, और उसी टाइप से ये यहाँ दूसरी साइड बैक साइड में दे दिया है। अभी रूम क्या है कि रूम के साथ में ही ये बाहर एक पोर्शन कनेक्ट कर दिया है, ये पार्ट कनेक्ट किया है जो कि यूज हो सकता है एज ए ड्रेसिंग रूम, क्योंकि रूम के अंदर कोई भी आप देखते हैं अलमीरा वगैरह का ऑप्शन नहीं रखता है। तो इस पॉइंट पे यहाँ पर ये हो सकता है, ये वेंटिलेशन के लिए है प्रॉपर उस साइड में, तो जो कवर हो सकता है। अब इस रूम का जो चारों साइड हैं, आपने देखा इस साइड में कि मंदिर था, उस साइड में देखा आपने कि वो एक टॉयलेट है, और इस साइड में जब आप देखते हैं तो भी आप देखते हैं कि इस रूम से दूसरी साइड में ये स्पेस है। तो एक्चुअली ये रूम के चारों तरफ डबल बाउंड्री है। यू गॉट माय पॉइंट कि रूम की जो वॉल है, ये जो रूम की वॉल है दिस वन, इसकी बैक साइड में कुछ स्पेस देके अप्रोक्सीमेटली 4-6 फीट्स का फिर वॉल है। तो अगर आप इसकी जो मेन पॉइंट है एप्लीकेशन देखते हैं तो वो ये है कि एक जो थर्मल कंडक्टिविटी है उसको रोक दिया है। अब विंटर में क्या होगा और समर में क्या होगा, समर में एक्चुअली मैं आपको बताऊं कि ये साउथ फेसिंग हाउस है, और साउथ फेसिंग हाउस होने की वजह से यहाँ ड्राइंग रूम ये होगा ही होगा, ऑब्वियस है, क्योंकि किचन इस साइड में रखा है।
तो मैक्सिमम टाइम इस घर के अंदर धूप आएगी, और धूप की वजह से क्या होगा कि जो अगर रूम यहाँ पे ओपन होता तो वहाँ का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा रहेगा। तो अब ये है कि ये समर के टाइम इस रूम के अंदर आप देख सकते हैं कि अभी नेचुरल लाइट है, कोई एलसेज प्रॉब्लम नहीं है, और अभी वाइट वॉश नहीं हुई है तो प्रॉपर जब वाइट वॉश हो जाएगी तो जो लाइट होगी वो कंफर्टेबल होगा, एकदम बहुत ज़्यादा ब्राइट भी नहीं होगी, बहुत ज़्यादा डिम भी नहीं होगा। तो लिविंग के पर्पज़ से, लिविंग के पॉइंट ऑफ व्यू से जब आप इस कमरे को देखते हैं तो वो काफ़ी कंफर्टेबल है। मतलब समर के टाइम पे यहाँ पे कूलेस्ट मतलब प्लेस होगा, यू डोंट नीड टू एनी एसी एंड कूलर फॉर दिस रूम। एंड विंटर में जब आप लोग देखते हैं तब भी थर्मल कंडक्टिविटी है, तो जो कोल्ड वेव्स हैं वो डायरेक्टली एंटर नहीं करेंगी रूम के अंदर। तो भी आप देखेंगे कि ये रूम विंटर के अंदर भी हॉट रहेगा, इसका टेम्परेचर मेंटेन रहेगा, राइट। तो एक ये सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर रखा है नीचे की साइड में। तो नीचे मैं आपको बोल ही चुका हूँ कि ये 100 स्क्वायर यार्ड्स का फ्लोर था और उसमें नीचे केवल एक ही रूम रखा है। अब ऊपर की साइड के अंदर यहाँ से ये स्टेयर्स ली हैं और स्टेयर्स को ऐसे ये ऊपर की साइड लेके गए हैं, तो यहाँ तक रोक दिया है। तो ये तो जो ग्राउंड फ्लोर है उसका प्लान है, और उस प्लान के अकॉर्डिंग आप ये सब डिज़ाइन को देख सकते हैं। एंड आई हैव ट्राइड ऑलमोस्ट टू मेंटेन द वास्तु आल्सो अलोंग विद एनी अदर फीचर्स टू मेक द स्पेसियस एवरीथिंग, सो देर इज़ नो वेस्टेज ऑफ स्पेस। एवरीथिंग जो है आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कि वो मेंटेन किया है। और जो स्टेयर्स इस साइड में, सीढ़ियाँ जो इस साइड में इस तरीके से ली हुई हैं, तो ये स्पेस आपके पास में अवेलेबल हो जाता है वॉल का। और ये बैक साइड में चलते चलते आप इसके साथ में जो है ये आप यहाँ ये स्टोर या दूसरे डेकोरेटिव जो आइटम्स हैं यू कैन कीप देयर। तो ये फीचर यहाँ पे इंक्लूडेड है। अभी ऊपर की साइड में कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है, तो जो एक्सप्लेनेशन आएगी वो नहीं होगी, लेकिन फिर भी मैं आपको दिखा दूं कि वहाँ पर जो पीओपी वो लोग कर रहे हैं वो किस टाइप से उन्होंने डिज़ाइन किया है। तो नेक्स्ट पार्ट में आपको ये मैं दिखाऊंगा। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। नाउ यू कैन सी दैट सीमेंट जाली एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट, और ये जो आर्क्स ऑफ दैट गेट एंड विंडो। सो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो।